मैं भी सोच रहा हूँ कि अब गांव चला जाऊं। तुझे जाने से गांव की याद कैसे आ गई? अब तो ऑफिस के काम से एक महीने के लिए बाहर जा रहा है और मेरा भी वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं यहाँ अकेला रहकर क्या करूँगा। सही है, ऐसी तेरी मर्जी। So sir, here's your discharge papers. आप यहाँ साइन कर दीजिए। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मुझे यहाँ एडमिट किसने कराया था? एक्चुअली सर, मैं भी नया हूँ, अभी कुछ ही दिन हुए मुझे ज्वाइन किए हुए। तो कोई ओल्ड एम्प्लॉय ये बता सकता है? वैसे तो आपको काफ़ी महीने हो चुके हैं एडमिट हुए, तो आपकी फैमिली ने करवाया होगा आपको एडमिट? फैमिली? पता नहीं फैमिली को यह पता है भी या नहीं कि मैं यहाँ एडमिट था। मिल गई फुर्सत भाई साहब को? आज कैसे याद आ गई बहन की? कैसी होती? मैं कैसे होगी, ठीक ही हूँ। तू बता, तू तो बिल्कुल ही गायब हो गया है, हमेशा फोन ही स्विच ऑफ रखता है तू। पर तूने आज फोन कैसे कर लिया ये समझ नहीं आया। बाबा को फोन किया? नहीं। नहीं? कब तक नाराज रहेगा उनसे? ऐसे नहीं होता है संजू, पता है माँ की तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने बताया उन्हें लंग्स में इन्फेक्शन है। बाबा यहाँ कलकत्ता लेकर आए थे उन्हें इलाज के लिए, 2 महीने भर्ती थी वो हॉस्पिटल में। अब वो कैसी है? अभी ठीक है, पिछले महीने ही डिस्चार्ज कराया था उन्हें। तुझे कितनी कॉल की लेकिन तेरा फोन ही स्विच ऑफ जा रहा है। तेरे दोस्त का भी नंबर मिलाया लेकिन उसका भी फोन स्विच ऑफ था। हम तो समझ रहे थे कि तुम दोनों कहीं बाहर चले गए हो। ऐसे कैसे चला जाता आपको बिना बताए? अच्छा, याद नहीं तुझे तूने बाबा से क्या कहा था
कि तेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। अब इतने दिन तू फोन नहीं करेगा, अपना फोन बंद रखेगा, तो हम तो यही समझेंगे ना। सुन, एक बार बाबा को कॉल कर ले। प्रतीक का सुनकर बहुत बुरा लगा मुझे। I hope you are fit and fine now. Yes, I am fine now. आज ही डिस्चार्ज हुआ हूँ। हम आए थे तुझे देखने के लिए हॉस्पिटल में when you were in coma and I'm really happy that you are now back to here after coma. Thanks. तो कब से ज्वाइन करना है ऑफिस? ऑफिस? Actually, सर ने तेरी जगह किसी और को अपॉइंट कर लिया है। मतलब आई एम फायर्ड नाउ? हाय, आई एम धवल, धवल आहूजा। सॉरी, मैं आपको नहीं जानता। आई नो, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आज से नहीं, पिछले 3 साल से। आई एम योर लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड? लेकिन मेरे लैंडलॉर्ड का नाम तो सतीश आहूजा है। वो मेरे फादर थे। ही डाइड एक्चुअली ड्यू टू कोविड। ओ, तो आप रेंट लेने आए हैं? नहीं, मैं आपका हाल चाल जानने के लिए आया हूं। मैंने आपकी फैमिली से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे कांटेक्ट हो ही नहीं पाया। आपके रूममेट के जाने का मुझे बहुत दुख है। मैं तो उसके लिए सही से रो भी नहीं पाया। जानता हूं। 6 महीने कोमा में रहने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे होंगे? आपको कैसे पता? मेरे पास पुलिस का कॉल आया था, तब पता चला कि आपका और आपके रूममेट का हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। आपके वॉलेट से आपका परमानेंट एड्रेस भी मिला था, उस पर मैंने बहुत सारे लेटर्स लिखे, लेकिन उनका कोई जवाब ही नहीं आया। वो मेरा पुराना एड्रेस था, अब मेरी फैमिली वहां पर नहीं रहती। आपकी फैमिली भी है? हाँ। फिर भी आप अकेले थे हॉस्पिटल में, क्यों? अपनी गलतियों की वजह से। मुझे घूमने का बहुत शौक था, घर में मन ही नहीं लगता था। कभी लंदन,
कभी पेरिस, कभी न्यूयॉर्क। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं परमानेंट दुबई शिफ्ट हो जाऊंगा। घर में इकलौता था तो मेरे दुबई जाने से पापा ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन मुझे बस अपनी परवाह थी। मेरा करियर, मेरी सक्सेस, मेरी फ्रीडम और मेरा फ्यूचर, मुझे लगता था बस यही दुनिया है। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा तो दुबई में सब लोग इंडिया अपने अपने घर जाने के लिए बहुत परेशान हो रहे थे, सिवाय मेरे। कुछ दिन यूं ही गुजरे, फिर भी मुझे घर की याद नहीं आई। लेकिन एक दिन मैं अपने फ्लैट में चक्कर खाकर गिर गया और बेहोश हो गया। जब आंख खोली तो हॉस्पिटल में था मैं। 4 दिन से बेहोश था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, जो उस दिन मेरे फ्लैट में एक प्लम्बर था, वही मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। सोचो, वो नहीं होता तो मैं आज यहां नहीं होता। मैं पूरे 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा, मेरा फोन भी मेरे पास नहीं था। जब मैं डिस्चार्ज होकर वापस अपने फ्लैट में आया तब मैंने देखा कि मेरे फोन पे काफी सारी मिस्ड कॉल थी। उनमें से 65 के अराउंड मेरे फादर की मिस्ड कॉल थी। जब मैंने उनके नंबर पे कॉल बैक किया तो पता चला कि ही वॉज डाइड। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारा करियर, हमारी फ्रीडम, हमारी सक्सेस, हमारा फ्यूचर, इन सब का तब तक कोई मोल नहीं है जब तक हमारे अपने हमारे साथ ना हो, हमारे पास ना हो। क्योंकि किसी और के पास ना तो इतनी फुर्सत है और ना ही इतना वक्त जो हमारे बारे में सोचे। मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो फ्लैट खाली करने के लिए, और आपका जितना भी रेंट बाकी है मैं धीरे धीरे करके सारा चुका दूंगा, क्योंकि अभी मैं जॉबलेस हो चुका हूँ और पता नहीं किस किस का डेब्ट चढ़ गया होगा मेरे ऊपर। और फ्लैट खाली करके जाओगे कहाँ? अपनी फैमिली के पास। ऐसे हार कर? खुद को वक्त दो, फिर से अपने पैरों पे खड़े होके तैयार हो जाओ। ज्यादा मत सोचो, स्टे हियर। हम लोग भी कितने अजीब हो गए हैं ना। हमने अपनी जिंदगी को इन 4 दीवारी से समेट कर इन सूटकेसेस में कैद कर दिया है।